अग्नि एक ऐसा तप है जो अंधकार में जाए तो प्रकाश फैला देता है और चूल्हे में जाए तो किसी की भूख शांत कर सकता है, लेकिन अगर यही अग्नि मिटाने पर आ जाए तो देखते ही देखते पूरे जंगल को राख का ढेर भी बना सकती है। अंतर है तो केवल उपयोग के दृष्टिकोण का। बिल्कुल, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, व्यक्ति किस मंशा से उसका उपयोग करता है वही निर्धारित करता है कि हमें वस्तु अच्छा परिणाम देगी या बुरा। इसलिए केवल साधना ही नहीं, भावना का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका के पास अग्नि में ना जलने का वरदान था, फिर भी वो अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई और प्रहलाद उसका बाल भी बाकार नहीं हुआ। कारण ये था, प्रहलाद के प्रयास और विश्वास दोनों अडिग थे। ऐसा नहीं है कि संसार में बुराई की विजय नहीं होती है, लेकिन केवल उन पर जो अपने कर्म में अटल नहीं होते। स्मरण रहे कि यदि आपकी मंशा सच्ची है, प्रयास निरंतर है और विश्वास अडिग है, तो भीषण से भीषण अग्नि भी आपको क्षति पहुंचाने के बजाय आपके शत्रु के अंत का कारण बन सकती है। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं संसद के सत्र से जुड़ी सुर्खियों के साथ। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया और कहा कि आलोचना जीवंत लोकतंत्र का आभूषण है, अंध विरोध लोकतंत्र का अनादर है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, गरीब से गरीब घरों में शौचालय बना है, जनधन योजना से लोगों के खाते खुले हैं और माताओं को धुएं से आजादी मिली है। कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। प्रधानमंत्री ने कोविड और देश में बने वैक्सीन से जुड़ी बातें भी अपने जवाब के दौरान कही और उन्होंने कहा कि आज भारत शत प्रतिशत देशवासियों को पहली डोज देने के करीब है। भारतीय वैक्सीन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी वैक्सीन में से एक है। बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा को लेकर अब भी खतरा बरकरार है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी से बुलेट प्रूफ गाड़ी और जज श्रेणी की सुरक्षा स्वीकार करने का आग्रह किया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हुई, 39 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया और 12 घंटे से ज्यादा चर्चा चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देंगे। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को संसद के दोनों सदनों ने श्रद्धांजलि दी।
लता जी के सम्मान में संसद के दोनों सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहे। और संसद के बाद अब देखेंगे देश भर से आ रही बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चुका है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की डिजिटल रैली आयोजित की जा रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल खराब मौसम की वजह से बिजनौर नहीं जा सके। उत्तर प्रदेश के बिजनौर को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां रैली को संबोधित किया और कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। पिछली सरकारों ने गरीब की कभी चिंता नहीं की, गरीब उनके लिए हमेशा राजनीति का माध्यम रहा। हमारी सरकार गरीब की हर जरूरत का ध्यान रखते हुए उसकी हर चिंता को कम करने का प्रयास कर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार में डिजिटल रैली को संबोधित किया। केंद्र और राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर उन्होंने आरोप लगाया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की इच्छा के विपरीत उत्तराखंड का निर्माण होने के कारण उन्होंने राज्य में विकास नहीं होने दिया, यानी कि दूसरी पार्टियों ने। देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के चौथे चरण की शुरुआत हुई है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री ने मिशन इंद्रधनुष पोर्टल भी लॉन्च किया और कहा कि मिशन इंद्रधनुष से पूर्ण टीकाकरण को और अधिक गति मिलेगी। इसके लिए राज्य और केंद्र सामूहिक प्रयास करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत यात्रा पर आए श्रीलंकाई समकक्ष जीएल पेरिस के साथ व्यापक वार्ता की। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी आयाम शामिल रहे। श्रीलंका को भारत की तरफ से 50 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दिए जाने के कुछ दिनों बाद हुई ये वार्ता। पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण है और इसमें श्रीलंका की मदद भारत ने की थी। अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में फंसे सेना के 7 जवान और फिलहाल राहत और बचाव जो अभियान है वो युद्ध स्तर पर जारी है और विशेष टीम भी सहायता में जुटी हुई है। बीएसई सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी निवेशकों की बाजार से पूंजी निकासी जारी रहने को लेकर चिंता से भी बाजार धारणा पर इसका असर हुआ है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले निवेशकों के सतर्क रुख से बाजार कमजोरी के साथ खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 302.70 अंक यानी 1.73% लुढ़क कर 17,213.60 अंक पर बंद हुआ। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करके शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में भी वही मॉडल लागू किया जाएगा। साथ ही रोजगार के लिए भटक रहे नौजवानों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रैली कर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है जबकि चुनाव इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में जब भी विपक्षी दलों की सरकारें आती थी तब दंगे शुरू हो जाते थे जिस वजह से आम जनता को खासी परेशानी होती थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 28 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिनमें 11 महिलाएं शामिल हैं। यह राज्य में कांग्रेस उम्मीदवारों की 8वीं सूची है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अब तक 370 से अधिक उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल के साथ साथ
आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। सपा अध्यक्ष मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के बागेश्वर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है और अब जनता से अगले 5 साल के लिए फिर से काम करने के लिए आशीर्वाद मांग रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो करके लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उनके रोड शो में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ दिखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के श्रीनगर में घर घर जाकर भाजपा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार के विकास के कामों को भी गिनाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोवा में चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लड़की हूं लड़ सकती हूं का बैंड पहनाकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस चुनाव में बहुमत पाने का भी दावा किया है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग की टीम राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होने हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड के 240 मंजिला टॉवरों को 2 हफ्तों में गिराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है ताकि ट्विन टॉवरों को गिराने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके। आपको बता दें कि ये जो 2 टॉवर हैं ये 40 मंजिला इमारत है, इनको गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की तरफ से कोलकाता में दूसरा एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो एयरपोर्ट के लिए वहां पहले से बसे लोगों को घरों से नहीं निकाल सकती। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अक्षय कुमार ने कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अक्षय कुमार को पहाड़ी टोपी पहनाई और केदारनाथ मंदिर की प्रतिमूर्ति भी भेंट की। असम सरकार ने 15 फरवरी को सभी तरह के कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं, नगर निगम चुनाव और माजुल विधानसभा सीट पर उपचुनाव अगले 2 महीने में संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने 15 से 18 आयु वर्ग के छात्रों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। DCGI ने भारत में आपात स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए एकल खुराक वाले कोविड रोधी टीके स्पुतनिक लाइट को मंजूरी दे दी है। स्पुतनिक लाइट एकल खुराक वाला टीका है और ये 2 खुराक वाले स्पुतनिक वी टीके वाले के ही समान है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों में ताजा बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कश्मीर के कुछ हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई। श्रीनगर के अलावा घाटी के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, कुपवाड़ा और पहलगाम में मध्यम बर्फबारी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई भागों में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ताजा बर्फबारी की वजह से यातायात के आवागमन पर भी असर पड़ा है। सबसे ज्यादा सड़कें शिमला और लाहौल स्पीति जिले में बंद हैं। और अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूस यूक्रेन संकट के समाधान के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मॉस्को पहुंच गए हैं। मॉस्को जाने से पहले मैक्रों ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की थी। उच्च स्तरीय कूटनीति को जारी रखते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 14-15 फरवरी को कीव और मॉस्को की यात्रा करेंगे। यूक्रेन के पास लगभग 1 लाख रूसी बलों की तैनाती ने पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो इसे संभावित आक्रमण की शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि रूस ने अपने पड़ोसी देशों पर हमले की किसी भी योजना से इनकार किया है। रूस ने क्षेत्र में हथियारों की तैनाती रोकने और पूर्वी यूरोप से नाटो बलों को वापस बुलाने की मांग भी की है। अमेरिका और नाटो ने रूस की मांगों को खारिज कर दिया है। 2015 के परमाणु समझौते को फिर लागू करने को लेकर ईरान और विश्व शक्तियों के बीच कल से बातचीत फिर शुरू होगी।
वियना में वार्ता की अध्यक्षता कर रहे यूरोपीय संघ ने इसका ऐलान किया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और चीन अभी भी ईरान के साथ समझौते के पक्षकार हैं और इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में अमेरिका को तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से बाहर कर दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। तेहरान ने इसके जवाब में यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को बढ़ा दिया था। ओटावा में कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के कारण हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कनाडा की राजधानी ओटावा के मेयर जिम वॉटसन ने आपातकाल की घोषणा कर दी। जिम वॉटसन ने कहा कि ये घोषणा सरकार के विभिन्न स्तरों से सहयोग की आवश्यकता को उजागर करती है। इससे शहर की सेवाओं की खरीदारी और आपूर्ति के लिए अतिरिक्त सहयोग मिलेगा, जिससे अग्रिम मोर्चे की कमियों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में मदद मिल सकती है। ओटावा में फिर से हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। शहर में पिछले सप्ताह के आखिर में से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना प्रतिबंधों में और ढील देते हुए 21 फरवरी से टीकाकरण पूर्ण करा चुके सभी पर्यटकों और व्यापारिक यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं खोलने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि वरिष्ठ मंत्री इस बात पर सहमत थे कि 21 फरवरी से टीकाकरण पूरा करवा चुके सभी वीजा धारकों के लिए सीमा खोली जाएंगी। मॉरिसन ने कहा कि आगंतुकों के पास टीकाकरण का प्रमाण होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 में अपने नागरिकों और स्थायी निवासियों पर दुनिया के सबसे कठिन यात्रा प्रतिबंध लगाए थे। और तमाम बड़ी खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा का राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। साथ ही आम बजट 2022-23 पर आज से उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय समिति, रेल संबंधी स्थायी समिति और उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएंगी। साथ ही अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। संसद के दोनों सदनों में सभापटल पर मंत्रालयों और विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे। लोकसभा में प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों के चयन के प्रस्ताव को भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा आज उपराष्ट्रपति ध्यास पंथे चालता नाम की पुस्तक का विमोचन करेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही आज लोकसभा की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पर संयुक्त समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की बैठक होगी। और आपको बता दें कि राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और गृह मामलों संबंधी समिति की बैठक भी संसद भवन परिसर में आज आयोजित होगी। आज सफा इंटरनेट डे 2022 है। इस बार की थीम टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट है। तो आइए इंटरनेट को सभी के लिए और विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए एक सुरक्षित और बेहतर स्थान बनाएं, ये जरूरी है। बिल्कुल पराक्रम, जैसा आपने बताया कि आज सेफर इंटरनेट डे है और जाहिर तौर पर जिस तरह से इंटरनेट का चलन, उसका इस्तेमाल दुनिया भर में तेजी से बढ़ा है, अब छोटे बच्चे भी इंटरनेट से दूर नहीं है, तो सेफर इंटरनेट डे इसको लेकर भी हमें जागरूक रहने की, सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और प्रीति, इसको लेकर के हम देखते हैं कि टेलीविजन पर भी चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी आजकल आती है। यहाँ तक कि जो इंटरनेट पर आपका जो बच्चा है वो क्या सर्फिंग कर रहा है, इसका अपडेट भी आप रख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें, उनकी इंटरनेट सर्फिंग पर ध्यान दें, क्योंकि इससे आप उनको एक बड़ी सीख दे सकते हैं और जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी लत हैं, उससे भी अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं गुलमर्ग में बर्फ से बने इग्लू कैफे की तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास।
संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी, लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, सिक्योरिटी, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 8 फरवरी वर्ष 1897 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर हुसैन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। महज 23 वर्ष की आयु में ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य बने और बाद में इसके उप कुलपति भी बने। डॉक्टर हुसैन सार्वजनिक जीवन में अनुशासन के पक्षधर थे और शैक्षिक सुधार आंदोलनों में 1930 के दशक से सक्रिय रहे। इन्हें साल 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में ये भारत के उपराष्ट्रपति बने और 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 8 फरवरी वर्ष 1941 को मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। अपनी मखमली आवाज से गजलों को हिंदुस्तान में घर घर तक पहुंचाने का श्रेय जगजीत सिंह को ही जाता है। इनके गजलों ने न सिर्फ शेर व शायरी की समझ में इजाफा किया, बल्कि गालिब, मीर, मजाज, जोश और फिराक जैसे शायरों से भी आवाम को रूबरू कराया। इनकी तमाम गजलों और उनके अल्फाजों ने सुनने वालों के अंतर्मन को कहीं भीतर तक छुआ और फिर वहीं बस गई। मसलन, चिट्ठी ना कोई संदेश, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। संगीत में इनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने देह त्यागी थी और वर्ष 2014 में इनकी याद में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। जगजीत सिंह आज भी अपने दिल को छू लेने वाली गजलों के माध्यम से हमारे दिलों में जिंदा हैं। और आज के इतिहास के बाद एक नजर संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा खास शो द डिफेंडर्स, और सुबह 9 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देखिए संसद में आज। सुबह 10 बजे से देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। 3 बजे दोपहर आप देख सकते हैं हमारा खास शो हेल्दी इंडिया। शाम 4 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देखिए लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण, और रात 9:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। 10 बजे देखिए दिनभर की कार्यवाही पर हाउस हाइलाइट्स, इंग्लिश में हमारा खास बुलेटिन, और 10:30 बजे देखिए हिंदी में सदन दिनभर। 11 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आर, लोकसभा के प्रश्नकाल से जुड़ा हुआ हमारा खास कार्यक्रम। और पराक्रम, जैसे हमने आज का इतिहास में भी बताया, जगजीत सिंह को आज याद करते हैं। संवेदनाओं को सुरों में पिरोने वाले महान गजल गायक और संगीतकार पद्म भूषण जगजीत सिंह की आज जयंती है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं उनके कुछ गीतों के साथ, तो आप जगजीत सिंह की इन गजलों का आनंद लीजिए। और आज सारा देश उन्हें याद कर रहा है। प्रीति, लता जी का दुख अभी हम सभी के साथ है क्योंकि उनका अवसान हुआ, और उसके बाद में जब हम संगीत जगत से ऐसी हस्तियों को देखते हैं तो फिर हम अतीत में जाते हैं, इतिहास को टटोलते हैं कि कितनी खनक वाली आवाजें थी जो कि अब तौर पर वो हमें सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इनके गीतों के जरिए ये हमेशा से जीवंत रहेंगी। बिल्कुल, जो विरासत ये महान हस्तियां छोड़कर गई हैं वो हमें मुस्कुराने का मौका जरूर देती हैं। बिल्कुल, जाते तो जाते आप ये आनंद लीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो म
मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। प्यार मुझसे जो किया तुमने, तो क्या पाओगी मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ठुकराओ अब के प्यार करो, मैं नशे में हूँ। कल चौदहवीं की रात, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल चौदहवीं की रात, कुछ ने कहा ये ने कहा चेहरा तेरा। कल चौदहवीं की रात। Why does diplomacy matter and how does it impact the common man?